हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि मैं मम्मा पापा गए थे हॉस्पिटल मम्मा का अल्ट्रासाउंड करवाने। उनको थोड़ी स्टमक पेन था, तो उस वजह से हम मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास चले गए थे। और अभी टाइम लगभग हो रहे हैं 11:50, और अभी हम जस्ट अल्ट्रासाउंड करवा के उनका घर पहुँचे हैं। तो सुबह से नाश्ता नहीं किया, तो बस सब कुछ चेंज करके बनाती हूँ, खाते हैं और मिलती हूँ आपसे बाद में। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज चुके हैं, क्या हुआ टाइम? 4:30। हॉस्पिटल से आके मैंने आपसे बात की थी, उसके बाद काफ़ी थक गए थे हम, तो मैं जल्दी से नहाई, फिर खाना वगैरह बनाया हमने, वो खाया और रेस्ट किया। तो आपको, आप सोच रहे होंगे मैं टाइम किससे पूछ रही हूँ, तो वो आया हुआ है नवी बाबू। बस जस्ट पहुंचा है, तो मैंने सोचा मैं आपको उससे मिलवा दूँ। हेलो, ठीक है तू? बढ़िया। तो हाँ, सबसे अच्छी चीज़ इन दोनों में मुझे पता है क्या लगती है, कि जब इसके जीजू वहाँ जाते हैं दूसरे घर, तो वो इनके, मतलब इसके कपड़े पहनते हैं और ये उनके कपड़े पहन लेता है। और देखो, और मेरे को फिट नहीं आते हैं। हाँ, इसको फिट नहीं आते, क्योंकि आजकल ये, अगर आपने इसके पहले की फ़ोटोज़ देखी होंगी, तो ये काफ़ी मोटा ताज़ा था, और आजकल ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, तो इसको थोड़े से फिट नहीं आते, पर वैसे ठीक है, काम चल पड़ता है। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने वो काम निपटाया, और अब मम्मी पापा, गले को क्या हो गया मेरे, और मम्मी पापा और नवी ऊपर स्लैब पे जा चुके हैं। एक्चुअली पूरे दिन भर आपको तो पता है कि गर्मी का मौसम है, स्लैब में हमारे शाम के टाइम इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि हम लोग रोज़ शाम को ऊपर बैठते ही बैठते हैं। खाना बना के जब मैं फ्री होती हूँ, तो मैं भी मम्मी पापा के पास ऊपर चली जाती हूँ, और खाना खाने के पहले तक हम वहीं पर बैठते हैं ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, हुमस सी इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो चिपचिपाहट सी, कि फ़ैन की हवा भी एक टाइम पे गर्म लगने लगती है, तो इसलिए हम ऊपर बैठते हैं। और हमारे स्लैब पे ज़्यादा ठंडी हवा इसलिए चलती है क्योंकि हमारे घर के नीचे जो है वो रावी नदी बहती है, साथ में ही, मतलब थोड़ी सी दूरी पे ही दरिया चलता रहता है। दरिया तो आप जानते ही होंगे, तो दरिया के पानी की वजह से जो है यहाँ पर ठंडी हवा चलती है। और अगर आप लोग मेरे पीछे आवाज़ सुन पा रहे हो, तो ये चलते हुए पानी की आवाज़ है। पहले मुझे इस आवाज़ की आदत नहीं थी, वैसे पानी तो मेरे घर के नज़दीक मेरे मायके में भी है, क्योंकि मेरे मायके से नीचे भी रावी नदी है, पर वो डैम है, मतलब रुका हुआ पानी है, स्थिर है वहाँ का पानी, और यहाँ पे भी रावी नदी बहती है, पर ये बहता हुआ पानी है, ये डैम नहीं है, ये दरिया है, तो इसकी आवाज़ आती है और डैम की आवाज़ नहीं आती। तो स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि मेरे रूम के सीधे सामने विंडो है, और विंडो के आगे ये घर वगैरह, इसके नीचे सीधे पानी है, तो रात को जब बिल्कुल सुनसान हो जाता है ना सब कुछ, तो इस पानी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर बोल सकते हो आप, वो लगता था, पर अब मुझे आदत हो गई है। तो मैं चलती हूँ ऊपर, और ऊपर से आपको दिखाती हूँ इसका व्यू। अभी जस्ट डिनर करके हम लोग फ्री हुए, और उसके बाद मैंने किचन साफ करके अभी मैं अपने रूम में पहुंची। और आज देखो मेरा सिंदूर गर्मी की वजह से, एक्चुअली कल जो मैंने ब्लॉग शूट किया था, तो कल मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी, तो मतलब खाना बनाते उतनी गर्मी फील नहीं हुई, और आज तो मैंने सिंदूर भी, अपनी मांग जो भरी थी वो कुमकुम से भरी थी, पाउडर सिंदूर से। और अभी तो फिर भी कुछ नहीं, ऐसे जब मैक्सिमम टाइम जब ठीक ठाक गर्मी होना, तो ये जो यहाँ तक पहुँच जाता है निशान, और इसको देखो, ओए क्या खाया आज, क्या खाया आज, और नमकीन चावल नहीं खाए,
कैसे थे? बोलो बोल। अच्छे थे, टेस्टी टेस्टी थे। नवी का मैं कुछ बताऊं आपको, तो इसका जो निकनेम है वो नवी है, पर इसका रियल नेम है कपिल, कपिल जरियाल, है ना। और मैं इसको प्यार से बोलती हूँ कपली, है ना कपली, कपली। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हमारी सुबह हो चुकी है और ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना काम घूम सब कुछ करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब दिन के लंच की तैयारी है, लंच बनाने में टाइम है क्योंकि अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, पर मेरे को जल्दी है नवी की, एक्चुअली ये अपने इंस्टीट्यूट जाता है तो ये आज यहीं से जाएगा। भूख तो इसको है नहीं, ये मना कर रहा है खाने के लिए, पर फिर भी मैं इसको ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, तो सोच रही हूँ पहले इसके लिए खाना तैयार कर लूँ और ये चला जाएगा आज। कुछ कुछ होता है जो लड़कियाँ जिन शादीशुदा है वो समझ सकती हैं कि जब मायके से कोई आए, भाई, सिस्टर, मम्मा, पापा या फिर कोई और फिर जब वो जाते हैं तो कैसा लगता है। तो फिलहाल मैं नवी के लिए अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। बोल कुछ। क्या? वरना मैं हमेशा फ़ोन चलाता रहता हूँ, मैं कुछ काम नहीं करता। जब घर आती तो पता है इनसे पूरी क्या है। तो खाना बनाना काम होता है? पता है। अच्छा कुक है ना, तो अपनी बहादुरी लगा रहा है कि हाँ मैं खाना बनाता हूँ, जब तू घर आती है तो तेरे लिए मैं लंच बनाता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। रुक जा, मत जा, रुक जा, मत जा। मम्मी का कॉल आया था कि तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो जाते हैं क्योंकि अब मैं तो यहाँ हूँ, होता घर में सिर्फ यही है मम्मी पापा के साथ, तो अब उनका भी दिल नहीं लगता, उनको भी खाली खाली सा लगता है जब नवी भी नहीं दिखे। तो अब कब आएंगे आप? अब कोई पता नहीं है, अब फिर भी देखते हैं जब मन होगा। खाते टाइम भी फोन, बस फोन फोन फोन, क्या होगा तुम लोगों का, तुम छोटे छोटे बच्चों का, तुम्हारी पीढ़ी का क्या होगा। बोलता खाना खाते मेरे को शूट मत कर, क्यों ना करूँ मैं, खा। तो इसको खाना खाने देते हैं आराम से, उसके बाद मिलते हैं। नवी बाबू हो चुके हैं रेडी, चल ठीक है फिर, बाय। ठीक है बाय। तो नवी चला गया घर वापस, और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।